हाँ जी, अजय मैथिल बात कर रहा था। MI अकाउंट अनलॉक कराना, कौन सा मॉडल था? MI A3। तो भाई अभी UMT डोंगल है अपने पास, तो भाई उसका वर्जन 6.0 डाउनलोड करो नया, और उसमें फ्री हो जाएगा, किसी को कोई चार्ज देने का ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी लेटेस्ट वर्जन आया है आज ही, और वर्जन है 6.0 UMT का, नया अपडेट आया क्यूशी फायर का। हाँ उसमें और भी मॉडल प्लस करे गए हैं, वो भी चेक कर सकते हो आप, जाके देख सकते हो। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? मैं अजय मैथिल। तो आज की एक वीडियो थी, ये वीडियो है इसलिए कि UMT के ऊपर और MI अकाउंट के ऊपर। आप सब लोग बोलते हो कि भाई मुझे MI अकाउंट अनलॉक कराना। देखो कुछ मॉडल ऐसे हैं जो UMT वालों ने अपने डोंगल के अंदर अपडेट कर दिए हैं कि वो फ्री है। पहले क्या होता था कि एक फ़ोन का 10 क्रेडिट चार्ज लगता था, और 10 क्रेडिट की कॉस्ट होती थी 600 रुपये या 700 रुपये, और एक फ़ोन में MI अकाउंट रिमूव करने के 10 के 10 क्रेडिट लग जाते थे। और कई बार क्या होता था कि अगर नेट की स्पीड स्लो है या कोई नेट नहीं चल रहा, अगर आपने सर्वर पे क्लिक कर दिया तो वो आपके 10 क्रेडिट कट जाते थे। ठीक है, तो अभी UMT वालों ने एक नई अपडेट दी है, क्यूशी फायर वर्जन 6.0। तो उसमें अभी कुछ मॉडल प्लस किए गए हैं, जैसे MI A3 है, पोको F1 है, और आपका Redmi 7A है, Redmi 8 है, Redmi 8A है, Redmi 8A Dual है, और आपका Redmi 8A Pro, Redmi Note 7 Pro। तो अभी ये नए अपडेट दिए गए हैं, और कुछ दिनों बाद अभी और अपडेट आने वाले हैं MI अकाउंट के ऊपर, जिसमें कोई क्रेडिट का चार्ज देना नहीं पड़ेगा। देखो UMT डोंगल एक स्टार्टिंग के तौर पे और फर्स्ट चॉइस में और भी बहुत चॉइस में UMT डोंगल सबसे बेस्ट है इस टाइम। और अभी कुछ टाइम पहले एक हेडर टूल आया था, वो स्पेशल MI अकाउंट के ऊपर था, मतलब MI अकाउंट रिमूव करने के लिए उसमें फ्री था। बाकी अभी जो UMT में अभी कई मॉडल बकाया रह गए हैं जो अभी अपडेट नहीं दिए हैं, जैसे Redmi 6A। इसमें क्या कि ये MTK CPU के ऊपर अभी ये अपडेट देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दे देंगे। ठीक है, अभी बाकी जो कॉलकॉम CPU के MI अकाउंट थे वो उन्होंने दे दिए हैं, अपडेट कर दिए हैं, और बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप अगर वर्जन क्यूशी फायर आपको 6.0 डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करना तो UMT सपोर्ट में जाओ, और वहाँ से जाके इंस्टॉलिंग में जाके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। ये छोटी सी वीडियो थी अपडेट के ऊपर, तो मैंने आपको बता दी है, और कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आगे भी बता दूंगा। और मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भाई सॉफ्टवेयर का काम करना चाहता है और वो पूछना चाहता है, उनका कोई कन्फ्यूजन है कि सॉफ्टवेयर बॉक्स कौन सा लें स्टार्टिंग के तौर पे, तो मैं बोलता हूँ कि UMT डोंगल आँख मीच के ले लो, पैसा वसूल चीज़ है, कोई वेस्टेड नहीं जाएगा। हर दूसरे तीसरे महीने में अपडेट आता रहता, और सबसे बेस्ट चॉइस है। मैं और बहुत से भाई ऐसे हैं ना जो बोलते हैं कि मुझे मेडिकल थंडर चाहिए। अब मेडिकल थंडर छोड़ दो, मेडिकल थंडर में कुछ भी नहीं है। मेडिकल थंडर के रेट में ना आप UMT और MRT डोंगल ले लो ना, वो बेस्ट रहेगा। मेडिकल थंडर बेकार है। सामने दो PC हैं, एक PC है, एक लैपटॉप है। जो काम मेरा इससे नहीं होता वो इससे करता हूँ, जो इससे नहीं होता वो इससे करता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सैमसंग का कोई फ़ोन अभी मुझे अनलॉक कराना, तो वो फ्लैग से अब से कराना होता है, तो वो उसमें सपोर्ट नहीं कर पाता, UMT इसमें से कर जाता, तो मतलब ये है। ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि इसमें ये देखो 6.0 है क्यूशी फायर, और इसमें है क्यूशी फायर 5.9। ठीक है, तो ये देखो, ये पहले वाले इस टूल में इसमें कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि MI A3 नहीं मिलेगा, पोको F1 नहीं मिलेगा, और 6A, 7A, 8A और Redmi Note 7 था पहले, पर वो नहीं था। ठीक है, तो अभी जो ये अपडेट दिया गया, ये अपडेट इसमें है, देखो ये मैंने 6.0 डाउनलोड कर रखा, तो यहाँ देखो आपका MI A3 ये रहा, पोको F1 ये रहा आपका, और ये Redmi 8A, Redmi 8A Dual Pro वगैरह वगैरह, ये जितने भी Qualcomm CPU वाले वो दे दिए गए हैं इसमें।
और आने वाले टाइम में वो मेडिटेक का भी करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ तो उन्हें अपडेट देना होगा। उनका जो UMT है मार्केट में बहुत चल रहा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और अपनी फैमिली का ख्याल रखो अच्छे से और सपोर्ट करो। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद।